वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, बिकॉज वी आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि आर्टिस्ट ने अपनी रोमांटिसिज्म और इमेजिनेशन को अभी विराम नहीं लगाया है। दे आर स्टिल थिंकिंग वन ऑर द अनदर थिंग फॉर द नेशन। ओके, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बल्कन टेंशन पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। यही इस लेक्चर का एजेंडा है और यही आज हमें यहाँ पे अपना चैप्टर वाइंड अप करना है। सो लेट्स सी विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या था। बच्चों, आर्टिस्ट अभी सोच रहे थे कि अपने नेशन को पर्सोनिफाई कैसे करें, यानी कि उनके नेशंस के जो आइडल्स हैं या नेशंस के बारे में जो भी वो सोचते हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं, राइट। तो उसके लिए जरूरी था कि जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, जब भी हमें अपनी इंडिया दिखानी होती है या हमें अपना भारत दिखाना होता है तो वी यूज टू पर्सोनिफाई इट एज भारत माता। तो सेम वही लोगों के दिमाग में था कि वो अपने नेशन को कैसे दिखाएं, यानी कि उनको चाहिए थी एक एलेगोरी। वर्ड है एलेगोरी, जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा एलेगोरी, और कई बार डिफरेंस भी आता है बिटवीन मेरिनिया एंड जर्मेनिया। ओके, ये भी मैं बताऊंगी कि मेरिनिया और जर्मेनिया क्या चीजें हैं, लेकिन इसके बीच में कई बार डिफरेंस पूछते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आर्टिस्ट ने सोचा कि काम करते हैं पर्सोनिफाई करने के लिए, अपने नेशन को दिखाने के लिए एक फीमेल फिगर सोच लेते हैं। एलेगोरी इज अ फीमेल फिगर जो रिप्रेजेंट करेगी हमारे नेशन को, और उसपे जितनी भी चीजें होंगी ना उसके उससे जुड़ी हुई, जो भी उसने पहना होगा, जो इस कलर से हम उसे दिखाएंगे, वो सब कुछ हमारे नेशन के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा होगा। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी फ्रांस की एलेगोरी बनाई, फ्रांस एलेगोरी, जिसका मकसद था सिर्फ लिबर्टी रिप्रेजेंट करना, एंड दैट वाज मेरिनिया। नाउ मेरिनिया वाज वेरी रेड कैप, और रेड कैप आप बहुत अच्छे से जानते हो लिबर्टी का सिंबल है ऑफ जैकोबिन क्लब, राइट। उसके बाद ट्राई कलर का उनके पीछे एक ट्राई कलर हो रखा था, दैट इज अ फ्लैग जो उन्होंने इनिशियली रिप्रेजेंट किया था फ्रीडम के लिए, वो एसोसिएट किया था, ठीक है। इसके अलावा भी चैप्टर में एक आपके पेज है जहां पे बहुत सारे सिंबल्स बने हैं, जैसे ब्रोकन चेन बनी है, एक फेरी बनी हुई है, एक रिंग बनी हुई है, तो वो सारी चीजें अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। एक बात जो आपको और ध्यान में रखनी है इसकी, ये जो इमेज वो लोग बना रहे थे ना एलेगोरी की, जैसे मरीनिया की इमेज फ्रांस में बनाई गई, तो ये इमेज सिक्कों पे, स्टैम्प पे, अलग अलग जगहों पर यूज की गई ताकि लोग इस इमेज से परिचित हो जाए, वो अच्छे भली भांति अगर सिटीजन है फ्रांस के तो इसको जानते हैं। ऐसे ही जर्मन ने सिलेक्ट किया आपके लिए जर्मेनिया, सेम, लेकिन जर्मेनिया जो चीजें रिप्रेजेंट कर रही थी वो अलग है। ये भी आपके पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जर्मेनिया बनी है खूबसूरत सी परी जैसी, और उसने ओक लीव्स पहन रखा है, ताज पहन रखा है ओक लीव्स का, ठीक है। तो क्राउन ऑफ ओक लीव जहाँ पे ओक रिप्रेजेंट कर रहा है हीरियोइज्म, स्पिरिट ऑफ हीरियोइज्म। भैया आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो, जर्मनी को हीरो बनने का बहुत शौक था शुरू से, जर्मनी में वो हीरोइज्म की स्पिरिट रही है, लड़ने की, मरने की, मारने की, ठीक है, किसी से ना दबने की, वो हिटलर वाला किस्सा इसी का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हीरियोइज्म दिखाना है, यानी कि ब्रेव रहना है, बोल्ड रहना है, ये सिंबल जर्मेनिया प्रोवाइड कर रहे हैं। जर्मेनिया और मरीनिया का बच्चों जो डिफरेंस है वो मैं आपको पीडीएफ में अटैच करके दे रही हूँ। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, मैम हमेशा बोलती है पीडीएफ पीडीएफ, पर अभी तक तो मिली नहीं है, चैप्टर खत्म होने वाला है, डोंट वरी, अब वो टाइम बहुत करीब आ गया जब मैं आपको आपकी पीडीएफ देने वाली हूँ। आई एम ओनली वेटिंग कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए ताकि मैं एक ही बार में दे दूँ, बार बार ये ना मुझे बार बार आपको देने पड़े और ना ही आपको बार बार अलग अलग जगह उसको ढूंढना पड़े, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन, जैसे कि हमने भारत माता विजुअलाइज कर रखा है। ये वन मार्क में पूछते हैं कि भाई फ्रांस ने, फ्रांस की एलेगोरी क्या है, जर्मन की एलेगोरी क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अब चल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, विच वी विल स्टडी थ्रू द बल्कन टेंशन। और पहले हम इन दोनों टॉपिक्स का मतलब क्लियर करेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है और इंपीरियलिज्म क्या होता है, राइट। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, बिफोर वी स्टडी दिस टॉपिक एंड बल्कन टेंशन टॉपिक इन डिटेल, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ओके, नेशनलिज्म आप चैप्टर के हर जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर टॉपिक में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर जगह डिस्कस हुआ है, लिबरल हो, रेवोल्यूशनरीज हो, या द पर्सन हु फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, वो लोग हो, कोई भी हो, ठीक है। नेशनलिज्म मीन्स अ स्पिरिट ऑफ बींग इन टू अ सिटीजन ऑफ अ नेशन, that means if I belong to the nation and I have that patriotic
draws in me, that is all nationalism. ठीक है, imperialism क्या होता है? Imperialism बहुत different है, पर जो भी आप देशभक्ति को समझते हो ना, वो सब nationalism का concept है. लेकिन अगर हम वही imperialism की बात करें, तो imperialism is a power which is है वो भी देशभक्ति. लेकिन difference क्या है? Nationalism में आपके पास constitution है, liberty है, equality है, federation है, ठीक है, राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. लेकिन इंपीरियलिज्म में वी हैव पावर कंसंट्रेटेड इनटू वन हैंड. ठीक है, वही एक राजा वाला रूल आ गया. वहां पे भी वो सारी वो तानाशाही वाले रूल नहीं है. यहाँ पे भी फ्यूडल ड्यूज नहीं है, सर्वडम नहीं है. अभी बल्कन रीजन में आप पढ़ोगे, बहुत सारे राजा को अकल आ गई है एकदम एंड तक कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो दे स्टॉप डूइंग इट. लेकिन उससे इंपीरियलिज्म खत्म नहीं होता. व्हेन यू गिव द पावर इनटू वन हैंड, सोल हैंड, जहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट इंपीरियलिज्म. ठीक है, देखो अब इसका एक इंपीरियलिज्म का एक एग्जांपल आपको मिलेगा बल्कन टेंशन में. और इंपीरियलिज्म ने ही लेड किया था वर्ल्ड वॉर वन. वी विल फिनिश आवर चैप्टर विद द अनाउंसमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. नाउ लेट अस सी यूरोपियन पावर मैनिपुलेटेड पीपल्स एस्पिरेशन. जैसे ही यूरोपियन पावर्स यानी कि जो आपकी बड़ी बड़ी पावर्स थी, उन्होंने क्या करना शुरू किया, अब वो टाइम था क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं, एलेगोरी बना रहे हैं, जर्मेनिया मरेनिया सिंबल्स हो रहे हैं, रोमांटिसिज्म जगाया जा रहा है, नेशनलिज्म की भावना जगाई जा रही है. तो उन्होंने सोचा ये ऐसे तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए, लोगों की जो फीलिंग है ना नेशनलिज्म की, उसको बदल दो, मैनिपुलेट कर दो. मतलब हटाना नहीं है उसको, सिर्फ उसको चेंज करना है. लोगों को ये समझाना है कि देखो ठीक है, इक्वालिटी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन हम देंगे, ठीक है, और आजीवन देंगे, बेहतर तरीके से देंगे. तो लोगों के दिमाग में कंसेप्ट वही है, केवल उन्होंने चेंज कर दिया बेस कि डोंट कि लोग पहुंचे ही नहीं डेमोक्रेटिक्स तक, इंपीरियलिज्म पे ही रुक जाए, बस उनकी सारी मांगे पूरी हो जाए. तो दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, दे स्टार्टेड प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ द पीपल, देयर एस्पिरेशंस, देयर ड्रीम्स. अब हुआ क्या, बल्कन एक रीजन है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया का नाम है, ठीक है. तो उस रीजन में बहुत सारे एथनिक ग्रुप रहते थे. मतलब ये कहने का है कि वैरायटी बहुत थी, जिससे आप कहते हो ना डाइवर्सिटी, भारत में वो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी. मतलब छोटे 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 यूनिट्स में अलग अलग लोग रहते थे, ठीक. अब हुआ क्या, इनहैबिटेंट्स वर स्लेव्स, मोस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स वर स्लेव्स, सारे नहीं पर हाँ 90% जो लोग बल्कन में रहते थे वो सब गुलाम थे, ठीक है. अब क्योंकि वो गुलाम थे तो किसके गुलाम थे जाना जरूरी है. सो दे वर ऑल अंडर द ऑटोमन एम्पायर, सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर रूल हो रहे थे. धीरे धीरे करके क्या हुआ कि लोगों ने ये समझना शुरू किया कि हमारा, अगर हम अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, आपको याद होगा जब हमने ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ा था, बच्चों जिसने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख कर आइए. जब हम ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे एक चार पर्टिकुलर वेरिएशंस में हमारा वो डिवीजन था. फिर धीरे धीरे करके इंग्लिश में क्या किया, वेलिश को भी ओवरटेक कर लिया, स्कॉटिश को भी कर लिया, इरिश को भी कर लिया. तो उनको अपनी आइडेंटिटी बचाने का मौका नहीं मिला या हार गए वो लड़के. तो ये बात ये लोग जानते थे और इन लोगों ने सोचा कि अब ये ऐसा नहीं होगा, हमें एक एक करके खुद को फ्री डिक्लेयर करना है, ऑटोमन एम्पायर के नीचे रूल में नहीं रहेंगे. सो दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देमसेल्फ वन बाय वन कि हम अलग हो जाते हैं, ठीक है. सारी यूरोपियन पावर के जो अलग अलग हिस्से वहां ऑटोमन एम्पायर में जुड़े हुए थे, बल्कन रीजन में थे, सब अपने आप को अलग अलग करने में जुड़ गए और खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. ब्रोक अवे का यहाँ पे मतलब है टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंट. ये मैं से लिख रही हूँ कि जो बच्चे यहाँ से नोट्स उतार रहे हैं उनको आसानी हो, ठीक है भाई. खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने यहाँ पे. अब इंडिपेंडेंट ऐसे तो होंगे नहीं भाई, अगर आप मेरे शासन में हैं और आप चाहते हैं कि कल से मैं आजाद हो जाऊं, तो आप ऐसा तो स्वतंत्र होंगे नहीं, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा. एंड इफ यू वन तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा. सिमिलरली एक स्ट्रगल शुरू हो गया, एक वॉर की स्थिति शुरू हो गई, लोगों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया. देखो वो जो एक टाइम ये भी था जब आपको पता चलेगा एथनिक वेरिएशन ज्यादा थी ना यहाँ पे यूरोपियन पावर, तो यूरोपियन पावर को एक टाइम पर समझ में आ गया था कि यहाँ पे अब लोग मॉडर्न हो गए हैं, लिबर हो गए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमें अपने रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, यानी कि जो हम पुरानी सोच चलाते थे फ्यूडल सर्वडम, ठीक है, वो जो राइन था वो हमें बदलने की जरूरत है, वरना हम अपनी सत्ता खो देंगे और इंपीरियलिज्म कभी वापस नहीं आ पाएगा. तो वो लोग इसलिए धीरे धीरे रिफॉर्म्स बदल रहे थे, लेकिन उसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए कि रिफॉर्म्स ज्यादा हद तक नहीं बदली गई.
ठीक है, बहुत कम रिफॉर्म्स में मॉडरेशन हुआ। अब हम देखेंगे जब स्ट्रगल शुरू हो गया तो एक कॉन्फ्लिक्ट का एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर, एक स्कीमा तैयार हो गया, यानी कि अब युद्ध होने की स्थिति बननी शुरू हो गई। अब जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स थी, जो भी आपकी बिग पावर थी, उनके बीच में आपस में राइवलरी शुरू हो गई, सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्यों? क्योंकि सबको एक दूसरे से ज्यादा पावर चाहिए थी। पहले तो ये था कि मैं मेरा वाला यूनिट एरिया पर्टिकुलरली ले लूं। अब क्या है कि अगर मैंने बाजू वाले का जीत लिया, क्योंकि अब तो वॉर है, शांति से तो मिल नहीं रहा है, तो अगर मैंने बाजू वाले का एरिया भी जीत लिया तो वो भी मेरा। तो अब सबको एक दूसरे का एक्सपेंशन चाहिए था, मतलब एक दूसरे के एरिया पर एक्सपेंशन चाहिए था, और ज्यादा से ज्यादा पावर लेने के लिए सब आपस में लड़ रहे थे। और ये लड़ाई अब सिर्फ जगह की नहीं रह गई थी, ज्योग्राफिकल नहीं थी, इट वॉज अबाउट ट्रेड ऑल्सो, इट वॉज कॉलोनीज ऑल्सो, नेवल पावर, मिलिट्री पावर, मतलब हर तरीके से दे वॉन्ट मोर एंड मोर पावर। और वो कब होगी? जब कोई एरिया आपको हो जाएगा तो ये सारी पावर आपकी हो जाएगी। आपको ट्रेड भी मिलेगा, आपको वहां की मिलिट्री भी मिलेगी, आपको कॉलोनी भी मिलेगी, आपको नेवल पावर भी मिलेगी। तो इट वॉज नॉट ओनली अ फाइट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन, बट इट वॉज ऑल इन ऑल। तो इसलिए सब बहुत इंटरेस्टेड थे, सबको ये जो बल्कन रीजन था ये चाहिए था। नाउ अब इसमें कौन कौन सी पावर इन्वॉल्व थी ये देखिए, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, दिस इज योर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एम्पायर। ठीक है, तो ये पावर ने धीरे धीरे करके एक वॉर की सीरीज बनानी शुरू हुई बच्चों, और वॉर के बाद वॉर, वॉर के बाद वॉर, फिर एक लोग जुड़ते हैं, फिर दो लोग जुड़ते हैं, फिर मदद के लिए कोई और लोगों को बुलाता है, तो उस तरीके से एक सीरीज लग जाती है कंट्रीज की। एंड फाइनली ये कंडीशन आ गई कि बल्कन रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर वन डिक्लेयर करना पड़ा और वर्ल्ड वॉर वन छिड़ गया। अब ये सब देखकर लोगों ने जो इंपीरियलिज्म था और इंपीरियलिज्म की जो पावर थी कि ये तो चलता रहेगा, अगर इंपीरियल पावर रही, यानी कि अगर शासक रहा किसी एक जन का किसी एक एरिया पे, तो वो कभी ना कभी लाइफ में फिर सोचेगा कि हमें अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहिए या आई वांट मोर पावर। तो इस तरीके से चीजें फिर से खराब होंगी। तो लोगों को समझ में आया कि इंपीरियल डोमिनेशन अच्छी बात नहीं है एंड दे स्टार्टेड अपोजिंग इट। लेकिन बहुत ज्यादा इंपीरियल पावर को यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं मिला, बहुत सक्सेस नहीं मिली, दे वर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। लेकिन एक चीज थी जिसको लेके लोग क्लियर थे, एंड दैट वाज द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। ये एक बहुत बढ़िया है, चैप्टर की शुरुआत में पहला पेज था जो फ्रेडरिक सोल्यू ने जो सपना देखा था वहां पे भी नेशन स्टेट का जिक्र हुआ था। और आज जब हम वर्ल्ड वॉर के साथ इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं तब भी हम ये जिक्र कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट लोगों के जहन में उतर चुका था कि नाउ दे वॉन्ट नेशन, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। और ये एक नेचुरल और यूनिवर्सल राइट है लोगों का कि भाई एक नेशन में एकजुट होकर अपनी हिस्ट्री को, ग्लोरी को, सोरोस को एंजॉय करना उन लोगों का अधिकार है, अपनी जर्मेनिया एलेगोरी बनाना उनका अधिकार है, सिंबल्स रखना उनका अधिकार है। ठीक है, और नेशनल एंथम, जो भी आपके नेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने की चीजें हैं, वो सब एक नेचुरल राइट है आपका। लेकिन इंपीरियलिज्म यहाँ पे चैप्टर खत्म होने के साथ फ्रांस में खत्म नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके थोड़ा वक्त लगा पर चीजें मैनेज। तो ये बल्कन टेंशन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आता है कि हाउ कैन यू से दैट बल्कन बिकम द एरिया ऑफ द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। इतनी सारी सोशल एथनिक डाइवर्सिटीज थी ना आज के टाइम में, आपके एनसीईआरटी में नेम मेंशन है, मैंने यहाँ नहीं किया है जानबूझ के। जब आप ये टॉपिक पढ़ने बैठोगे उस पैराग्राफ में बहुत सारे नेम है। आज जिन जगहों को उन नामों से जाना जाता है वो सारी जगहें बल्कन रीजन में आती थी उस वक्त। ठीक है, तो ये उस वक्त का जो कॉन्सेप्ट था बल्कन रीजन का वो ये था कि भाई इतने सारे लोग, इतनी सारी एरिया, इतना बड़ा एरिया, इतनी सारी पावर, और सबको चाहिए थी और एक दूसरे से ज्यादा चाहिए थी। तो ये लालच, ये राइवलरी अमंग द पावर्स क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ वॉर एंड विच लीड टू अ बिगेस्ट टेंशन। पहला वॉर जब ये बना तो एक बहुत टेंशन का माहौल हर जगह पे क्रिएट हो गया, और उसके बाद हार्डशिप, इकोनॉमिक क्राइसिस कई जगह पर आए। और क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हो और क्लास टेंथ में नहीं पढ़ोगे, इस चैप्टर में जो चैप्टर था वो एलिमिनेट हो गया, दैट इज आपके एनसीईआरटी से वो लास्ट ईयर ही रिमूव हुआ है। लंदन और मुंबई का एक चैप्टर था जहां पे हमने क्राइसिस की सिचुएशन स्टडी की थी। ओके, सो विद दिस लास्ट टॉपिक आई एम वाइंडिंग अप, फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर टुडे हियर इटसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो बच्चों लिखा है मैंने यहाँ पे, ये आपके नोट मेकिंग पर्पस के लिए है, ताकि ये कीवर्ड्स है, सो दैट यू मे बी एबल टू ट्रेस द होल स्टोरी इन योर माइंड, इनको पढ़ के कि क्या था इस टॉपिक में। ठीक है,
इससे आप कोशिश करिए नोट्स इन्हीं कीवर्ड से आप खुद से बना लें, बिकॉज यू आर इन टेंथ, बच्चे तो है नहीं आप फर्स्ट सेकंड क्लास से कि आपको आंसर रटाए जाएंगे. यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द टॉपिक इटसेल्फ एंड यू शुड बी केपेबल एनफ टू राइट डाउन योर आंसर्स योरसेल्फ. इवन दो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आई एम हियर. सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं समरीन स्टोरी कवर करने वाली हूँ. तो जिन भी बच्चों का ये चैप्टर छूट गया है या जो पढ़ने बैठ रहे हैं अब फिर से, तो वो एक बार लास्ट वाला वीडियो पहले देखिए और फिर से पढ़े, ठीक है. और जिन्होंने पूरा चैप्टर कंटिन्यूएशन में पढ़ा है उनके लिए तो लास्ट वाली चीज बहुत खेल है, बहुत ईजी चीज है. बट स्टिल वो एक माइंड मैप की तरह आपको फीड रखने में चैप्टर को बहुत हेल्प करेगा. सो स्टे हेल्दी. बाय.